राम लिखते ही, सुनते ही, लिखते ही या फिर देखते ही जो पहला विचार मन में आता है उसे पाल के रखिए, पूछूंगा। चलिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 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 हाथ काट कर रख दूंगा, ये नाम समझ आ जाएगा। कितनी दिक्कत होगी पता है, जब राम समझ आ जाएगा। अरे राम राम तो कह लोगे, पर राम साधु भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। अब मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। ताम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। ये सब कुछ और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा हे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं, चलो बता ही देता हूं। अरे तुमने तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूं भाई। बात वहां तक फैल गई है कि आपके भाग खुल गए हैं, बात वहां तक फैल गई है कि आपके भाग खुल गए हैं। सुना है भरत से भारत हुए राज में राम जी आ गए हैं। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे तो सब यही कहते थे कि हम तो राम राज में रहते हैं, पर इन सब में राम रहते हैं, यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। मतलब वो आते हैं तुम में रहने, सच है या फिर गलत कहो, अगर सच ही है तो क्या कहने। तो तुमको राम बताया होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ, तो बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ। अरे बताए तुमको क्या है राम, या फिर हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा रावण को मारा, अरे लक्ष्मण जिनको कहते भैया, पत्नी जिनकी सीता मैया, अरे ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम बताया, या वो भी आकर हम बताए। बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उनको छोड़ मिला हूं सबसे। एक बात कहो अगर बुराना मानो, नहीं तुम तो तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, इस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम इस नारे में सब कुछ है मगर राम नहीं। भारत भूखा कभी हूं मैं, तभी नीडर हो कहता हूं, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो खुलकर राम कहो तुम, तो खुलकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। अरे राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र युगी नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है राम और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हर छोर रावण की मौत पे रोए हो, अरे शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जी के रक्षक हो जाए, और तुम सब
लोभ छल कपट अहंकार सिरे से लगाकर सो जाओगे, कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अब और क्या है पता नहीं, और शिवजी का वरदान चाहिए। अब और क्या है पता नहीं, और शिवजी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। अरे भगवान क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है। भगवान क्या है वो जाने जो भगवान और किस होता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जाकर अपने राम को लाना होगा। अवधपुरी का उत्सव आप सबने खूब मनाया, मेरे प्रभु के रथ को आप सबने खूब सजाया। वो द्वापार में कोई राह तके हैं, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर चलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम।